माई YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट कैसे हैं आप सब लोग मज़े में हैं ना तो मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ अच्छा जी मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हुई हूँ उनके फ्रेंड के रिसेप्शन में तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में मैंने कार्ड दिखाया था तो उनकी शादी में हम आए हुए हैं मैं बारात में तो नहीं आ सकी थी जिसकी मैंने अभी वीडियो आपसे शेयर करी है और इसलिए मैं रिसेप्शन में आई हूँ और यहाँ हम न्यू ईयर का केक काट रहे थे शादी से आने के बाद बारह बज चुके थे और सबसे पहले आप सबको नया साल मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो ये साल अल्लाह पाक सबके लिए खुशियाँ और बरकत लाए घरों में और हम सब फैमिली को मतलब हम सब यूट्यूब फैमिली को मेरी सबको खुश रखे आबाद रखे अपने घर में और सबको खुशियाँ दे सबके नसीब अच्छे करे आमीन सो मामीन और यहाँ सेकंड डे है न्यू uh, ईयर का तो मतलब पहला दिन है तो मैं यहाँ दूध बॉल कर रही थी और uh, क्योंकि नाश्ता बनाना था तो हस्बैंड भी जा चुके थे नाश्ता वाश्ता करके इसके बाद जो है अच्छा मैंने मज़े की बात बताऊँ कि मैंने मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए न्यू ईयर का गिफ्ट ऑर्डर ऑर्डर किया था यानी मेरे लिए ड्रेस ऑर्डर किया था तो मुझे उन्होंने नहीं बताया और जब वो आया तब मुझे पता चला कि यार मेरे लिए कोई गिफ्ट आया फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है मतलब टाल रहे थे लेकिन उन्होंने फिर बाद में मुझे बता दिया कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट मतलब तुम्हारे लिए ऑर्डर करा था मेरी तरफ़ से गिफ्ट है तुम्हारा न्यू ईयर का और मेरे लिए वो वॉच भी लेकर आए थे तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी अच्छा मैंने जो है ना वो ड्रेस जो है वो ममा को दिया हुआ है सिलने के लिए तो मतलब जब वो स्टिच होकर आ जाएगा तो तब मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी और मैं तब तक के लिए आप उस आप मेरी वो पिक देख लीजिएगा मतलब जो पार्सल आया था तो मैंने उस टाइम एक छोटी सी क्लिप जो होती है ना बोम रेंज की मतलब जैसी तो मैंने वो रिकॉर्ड कर ली थी और आप वो देख लीजिएगा कि किस कलर में है और मतलब क्या डिज़ाइन है तो मैं मैंने फुल वीडियो बनाई थी मतलब वो कपड़ा जो है ना वो अन है और मैंने जो ऑर्डर किया है ना वो वो लेमन टार्ट से ऑर्डर किया है फेसबुक पे पेज है एक लेमन टार्ट का तो मैंने नहीं सॉरी मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया है लेमन टार्ट से तो वहाँ आपको जो है वो पायदार कपड़ा भी मिलेगा और मतलब गारंटी के साथ है कि इस पार्सल में मतलब आपने जो ऑर्डर किया वही आएगा अदरवाइज़ को और कोई चीज़ नहीं आएगी मतलब आप आंखें बंद करके ना वहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं तो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया और अल्हम्दुलिल्लाह सही आया अच्छा वो जो कपड़ा था ना वो हमें पड़ा साढ़े सात सौ का मतलब डिलीवरी चार्जेस के बाद तो हमें पड़ा साढ़े नौ सौ का तो सही है खैर स्टिच होके वो बहुत प्यारा लगेगा आई मुझे पता है और यहाँ मैं खाना खाने की तैयारी कर रही थी तो आपको जैसे पता है मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं पुलाव तो मैं उनके लिए पुलाव बना रही थी और शाम का टाइम था यहाँ तो वो भी आने वाले थे बस मैंने कहा कि मैं बना लूँ जल्दी जल्दी कर लूँ काम तो मैंने छोटी सी क्लिप यहाँ रिकॉर्ड कर ली और सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जाके अभी सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें बस इतना सा काम तो करना होता है इसके पैसे थोड़ी लगते हैं ना भाई नहीं लगते हैं ना तो फिर अभी जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें जब भी दुआ करें जब भी नमाज़ पढ़ा करें आप सब तो मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें और मुझे आप सबकी दुआओं की, की ज़रूरत है और आप सबकी सपोर्ट की, की ज़रूरत है बस मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं बहुत जल्द अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी अच्छा आपको जैसे पता है घर में शादी चल रही है तो मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ यार क्योंकि आपको तो पता है हर चीज़ बरी की तैयारी मतलब पैकिंग वगैरह करना अब हमें लेकर जानी है बरी तो उसका व्लॉग भी मैं लेकर आऊँगी अच्छा बरी जो लेकर जा रहे हैं हम तो वो बस कल परसों लेकर जा रहे हैं तो उसकी भी इन वीडियो में लेकर आऊँगी आपकी आपके लिए और और जी मैं क्या शेयर करूँ बस यहाँ मेरे मतलब मेरे हस्बैंड के भाई की शादी है तो हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं शॉपिंग वगैरह करने में और बस बुकिंग चल रही है बुकिंग में कब की बुकिंग करवाने जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं कभी मार्केट जा रहे हैं कभी कुछ हो रहा है कभी पैकिंग हो रही है तो उसमें ना मतलब मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा और जब घर आती हूँ ना तो थकी आ रही आती हूँ और ऐसी नींद आ रही होती है ना कि बस बंदा कहे सो ही जाओ अच्छा ये जो पीछे बैकग्राउंड पे बेबी की रोनी की आवाज़ें आ रही हैं तो ये हमारे नेबर्स से आ रही हैं तो हमारे बराबर में जो है वो नेबर्स हैं और तो उनका न्यूबॉर्न बीबी हुआ है तो उनकी आवाज़ें आती हैं ये तो आप लोग प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा अच्छा जी किस किस को ज़्यादा राइस पसंद है और किस किस को ज़्यादा रोटी पसंद है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई मुझे तो आप अच्छा आप बता दें मुझे क्या पसंद है क्योंकि मैं तो लड़की हूँ ना तो लड़की ज़्यादा तो क्या खाती हैं तो ये सब तो आपको पता ही होगा खैर बस ना अब जो है वो घर में शादी का माहौल चल रहा है हर तरफ काम 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 और काम ही काम तो मैं ज़्यादा जो है ना वो उधर ही होती हूँ अपने ससुराल में ही होती हूँ और घर में जो है ना मैं कम वक्त दे रही हूँ मतलब मैं सुबह से जाती हूँ जो है ना वो रात में आती हूँ तो इसलिए ना मैं ना ही ब्लॉग अपलोड कर पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि आज नहीं यार आज करना है व्लाग अपलोड ना बहुत काफ़ी दिन हो गए हैं तो इसलिए अच्छा जी मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि किस किस ने मेरे ब्लॉग्स मिस करे और किस किस ने मेरी बातें मिस करी मुझे लाजमी बताएगा और यहाँ पर जो है मैंने पुलाव जो था वो दम पे रख दिया था थोड़ी सी तेज़ आंच कर दी थी क्योंकि जो तवा था ना वो थोड़ा मैंने कहा वो गर्म हो जाए ताकि पतीली जो है वो खुद खुद ही गर्म हो जाएगी फिर मैंने स्लो कर दी थी और जिस सूट का इंतजार था वो ये है आप सबको दिखाने के लिए तो मैंने छोटी सी यहाँ भूमि रेंज बनाई थी आप सब बताएगा कैसा कैसा लगा आपको कलर और कैसा लगा डिज़ाइन जब ये स्टिच हो जाएगा तो मैं आप सबको वो भी दिखाऊँगी और यहाँ जी मैं अपने अपू के साथ आई हुई थी यानी अपने फादर के साथ आई हुई थी फ्रूट्स लेने और हम सब आए हुए थे थोड़ा आउटिंग पे निकले हुए थे तो हमने कहा चलो फ्रूट लेकर आते हैं और हमारी थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी तो इसलिए हम निकल आए और यहाँ हमने लिए थे ऑरेंज और वहाँ और अमरूद वगैरह लिए थे तो आप सबको कौन सा फ्रूट पसंद है ऑरेंज या अमरूद क्या पसंद है मुझे तो भाई अमरूद पसंद है क्योंकि जो होते हैं वो थोड़े खट्टे खट्टे लगते हैं ना तो अगर मीठे वाले जो होते हैं ना मीठे वाले वो मुझे पसंद है बाकी मैं ज़्यादा नहीं खाती ऑरेंज बट मैं इसका जूस ज़रूर पीती हूँ और यहाँ जी दूल्हे की गाड़ी सजी सजी जा रही थी हमारे आगे से और बस फ्रूट ले लिए थे और और अब हम घर जा रहे थे फ्रूट लेने के बाद और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे अल्पाइन की आइसक्रीम जैसे कि मम्मा के घर थी तो यहाँ वो अपने लिए लेकर आए थे बिरयानी और कोरमा बनाया था मम्मा ने तो वो थोड़ा जो है ना तेज़ नहीं खाते मतलब उनको लग रहा था हमें तो नहीं लग रहा था बट मज़े का बना था तो यहाँ पर हम आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे ठंड में खैर मज़े की थी आइसक्रीम फाइव फ्लेवर्स थे इसके अंदर तो ब्लूबेरी और चॉकलेट बादाम पिस्ता ये सब अच्छा मेरा फेवरेट जो है वो चॉकलेट है और ब्लूबेरी है और ये आइसक्रीम थी अल्पाइन की तो इसके फाइव फ्लेवर थे और बहुत मज़े की थी यमी थी तो ये फैमिली पैक है और हम सब ने खाई थी आइसक्रीम खाने के बाद हम यहाँ इंजॉय कर रहे थे कॉफ़ी मेरी बहन के हाथ की तो छोटी बहन जो है उसने हमें कॉफ़ी बना कर दी और सर्दी लगने लग गई थी आइसक्रीम खाने के बाद ना तो हमने वही बोला कि गला ख़राब ना हो जाए ना तो इससे पहले हम अपना जुगाड़ कर लें कुछ तो हमने कॉफ़ी बनवा ली और बहुत ही अम्मी बनी थी वो अच्छी बनाती है कॉफ़ी ना तो मेरे हस्बैंड तो शौक से नहीं पीते लेकिन मैंने पी ली और उसने जो है ना वो थोड़ा सा डिज़ाइन करा था कॉफी ऊपर छिड़क दी थी तो अच्छी लग रही थी ये मेरा कप था और वो मेरे हस्बैंड का अच्छा जी एक अफसोसनाक बात यह है कि मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो लो हो गई है बिल्कुल और जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं चार्ज मतलब मोबाइल लगा के चार्ज पे फिर ओवर कर रही हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ आप सबके लिए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और फुल वॉच किया करें ना यहाँ मैं घर पे आ गई थी और मैं खा रही थी लेस सॉरी कर्लीस तो आप देख सकते हैं कि इसका वेट जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है क्योंकि ये वा, ये कौन सा पैक है फिफ्टी वाला पैक है और देखिए इसके अंदर जो है वो कितने से मतलब थोड़े से नहीं होते कि दस रुपये वाले पैकेट में होते हैं तो मैं ये आप सबको ये दिखाना चाह रही हूँ कि यार इससे अच्छा बंदा पाँच पैकेट ले लें पचास रुपये के खैर बहुत ही कंजूस किस्म का जो है ना पापड़ है ये कंजूस मतलब इसमें बस मेरी तो तौबा हो गई कि अब इसको नहीं लूँगी और खैर हम तो थोड़े में भी इंजॉय कर लेते हैं उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ अभी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी रिहा न्यू आने वाली वीडियो आपको शो हो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफि अमानल्ला